हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, आपके पास रहने का प्रबंध है, यानी कि आप अगर अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं शॉर्ट ट्रिप पे, या फिर आप अपने रिश्तेदारों से मिलने भी आ रहे हैं, तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता लग पाए कि कैसे आपको ई पास बनवाना है और क्या क्या सावधानी आपको इसके लिए बरतनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, smartcitydehradun.uk.government.dhcp.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रवासी और अन्य पंजीकरण ई पास के लिए और ई पास डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आपका ई पास बन जाता है तो आप ई पास यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको, जैसे कि आप उत्तराखंड आने के लिए अगर आपने पास बनाया है, तो उसके लिए आपको चाहिए अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहां पे डालेंगे उसको सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर तो चलिए आपके पास है, तो ये एप्लीकेशन नंबर कहां से आएगा, इसी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ये फॉर्म के लिए आप यहां पर जाएंगे प्रवासी और अन्य पंजीकरण पर, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म सेम है चाहे आप ट्रैवलिंग उत्तराखंड में कर रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर कर रहे हैं तो भी। तो कोविड का ई पास है, आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर चाहिए कि जिस पे कि आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। और ये फॉर्म आप चाहे उत्तराखंड आ रहे हैं या जा रहे हैं, या उत्तराखंड में ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, तो भी आपको सेम फॉर्म ही फिल करना है। तो जो पास है वो सब्जेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको अप्रूव करेगा। जब आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाए और ई पास आपके पास डाउनलोड हो जाए, तभी आपको ट्रैवल करना है। मैंडेटरी है, जो आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये एसओपी। अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंड की एक स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप वहां पर जाकर सारी जानकारी उत्तराखंड के रिलेटेड ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड फॉर, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप पर क्लिक करना है। आप क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो उत्तराखंड आने के लिए आपको क्लिक करना है। मोड ऑफ ट्रैवल, कैसे आप आ रहे हैं, टू व्हीलर से आ रहे हैं, एलएमवी से आ रहे हैं, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, गुड्स व्हीकल है, ट्रैक्टर है, टैक्सी या कैब है, एग्रीकल्चर व्हीकल, जो भी आपका मोड है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो आपने मैंने एलएमवी कार यहाँ पर डाल दिया है। पास कैटेगरी की, यहाँ पर आपको पास कैटेगरी में आप अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आपको क्लिक करना है फैमिली या पर्सनल विजिट रीजन शॉर्ट वीडियो अप टू 7 डेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर डालना है कि फैमिली से या रिलेटिव से मिलने आ रहे हैं, मैरिज या स्मॉल पार्टी में आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, प्रेग्नेंट है कोई, सीनियर सिटीजन है, सीरियस इलनेस है, स्टूडेंट है जो होम टाउन आ रहे हैं, या विजिटिंग पेरेंट्स है, तो आप यहाँ पर इनमें से क्लिक कर सकते हैं। फैमिली और रिलेटिव मीट आप आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैरिज और स्मॉल पार्टी आ रहे हैं तो वो आप क्लिक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2000 पर डे की लिमिट है उत्तराखंड की ओर से, जो 4 अगस्त को ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। तो जर्नी डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी जर्नी डेट आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट, अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो क्लिक करना है। टेस्ट रिपोर्ट अगर है या नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप यस नो किया। उसके बाद आप आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं कि नहीं, वहां पे आप यस नो करेंगे। ट्रैवलिंग फ्रॉम कौन से स्टेट से आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आप कौन से एरिया से आ रहे हैं, प्रेजेंट सिटी आपकी यहाँ पर आप डाल देंगे, और उसके बाद एड्रेस यहाँ पर अपना पूरा डाल देंगे। आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। ट्रैवलिंग टू, आपको जाना कहाँ है, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मान लीजिए देहरादून में जाना है, अर्बन में जाना है, रूरल में जाना है, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, फिर वार्ड नंबर कहाँ जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस यहाँ का भी डाल देना है। फिर आता है आवेदक का नाम, तो नेम ऑफ ट्रैवलर, यहाँ पे आपको सिंगल पर्सन का नाम डालना है। ये नहीं कि आपके साथ आपकी फैमिली भी आ रही है तो आप सबके नाम डालेंगे, आप सिर्फ एक ही अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो आपको पास एक ही बनाना है, एक ही बंदे का पास बनेगा, उसी में फैमिली मेंबर की डिटेल होंगी, कहाँ होंगी मेंशन, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी फॉर्म में। तो अलग अलग पास सबके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द सिंगल पर्सन, यहाँ पर आप नाम डाल लेंगे कि किसका है, कौन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एज क्या है, एज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी।
जेंडर क्या है, जेंडर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर आपको नाम चाहिए अपना, उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर एज आपको मेंशन करनी है, जेंडर क्या है वो आपको मेंशन करना है, मेल है फीमेल है, ईमेल एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी जरूरी है। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपसे क्या क्या मांगा गया है, या तो आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप पैन, या फिर अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इसमें से जो आपने जरूरत देखी है वो ज्यादातर आपके एड्रेस प्रूफ है, और एड्रेस प्रूफ ही आपका यहाँ पर चाहिए, पैन कार्ड को छोड़कर बाकी सब आपके एड्रेस प्रूफ है। तो आपको अपना आधार कार्ड या जो भी एड्रेस प्रूफ है वो आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए आप आधार कार्ड ले रहे हैं, गवर्नमेंट आईडी नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद अगर आप आरोग्य सेतु ऐप से आ रहे हैं तो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है या अदर कलर है, वो आपको यहाँ पर स्टेटस देना है। और आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना मैंडेटरी है, ये जरूरी है। फिर यहाँ पे है जो हाईलोड सिटी है उसका जो है पूरी की पूरी जानकारी है। तो अगर आप हाईलोड सिटी से आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सही जानकारी सेलेक्ट करें, क्योंकि आपने जो एड्रेस प्रूफ डाला है उस पे वही एड्रेस होगा जिस जहाँ से आप आ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है और आपको सही एड्रेस जो है वो फिल करना है यहाँ पे। आप कौन कौन सी हाईलोड सिटी है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनंतपुर, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, कुरनूल, वेस्ट गोदावरी है, असम में कामरूप मेट्रो है, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत है, कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जलगांव, मुंबई, मुंबई सब अर्बन, नासिक, पालगढ़, पुणे, रायगढ़, ठाणे, ये है। तमिलनाडु में चेन्नागलपट्टू, चेन्नई, मदुरई, तिरुवल्लूर, तेलंगाना में हैदराबाद, ये सॉरी ऊपर तमिलनाडु की थी। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में काफी हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी बरेली, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलभीत, रामपुर, सहारनपुर, ये हैं। और वेस्ट बंगाल में आपकी पैरागनाज नॉर्थ है, पैरागनाज साउथ है, और कोलकाता है। दिल्ली आपकी कंप्लीट है, सारे एरिया आपके दिल्ली के यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं पर सेलेक्ट कर देंगे। अब मैंने ऊपर डाला था व्हीकल, तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं, यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना है आपको। जैसे मान लो आपको गुड़गांव की गाड़ी है तो HR 26, इस तरीके से पूरा आप यहाँ पर नंबर देंगे, सिर्फ 4 डिजिट नहीं देनी, कंप्लीट नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो वाहन की सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, कितने लोग बैठ सकते हैं, 4 या 5 सीटर नॉर्मली होती है, तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ को ट्रेवलर्स, अब आपको फैमिली की डिटेल है ना दोस्तों यहाँ पर डालनी है कि कितने लोग आएंगे। मान लीजिए 3 लोग आ रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पर आप डालेंगे हमारे पर्पज ऑफ उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो भी आपके साथ आए उनकी भी आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एज क्या है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी डिटेल्स अलग अलग आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब मैंने टूरिस्ट फिल किया था, तो होटल का नाम चाहिए, भाई किस होटल में आप रुकेंगे, फोन नंबर, होम एड्रेस, होटल का जो है रूम नंबर, होटल का एड्रेस। आप मान लीजिए आप टूरिस्ट हैं लेकिन आप घूमने आ रहे हैं और आपका घर है, या आपके पास कोई है यहाँ पे अरेंजमेंट, तो वो यहाँ पे होटल में आप एनी एनी डालोगे तो वो नहीं लेगा, तो वो आप पर्सनल या फैमिली विजिट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड यहाँ पर कर देना आपकी होटल की बुकिंग रिसिप्ट, जो भी आपके पास जो टिकट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आपने COVID-19 के लिए ऊपर डाला है कि मेरे पास है रिपोर्ट, तो वहां पर यस करते यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आप बिजनेस ट्रैवलर हैं तो भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो आपको अपलोड करना है। तो सारी चीज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। उसके बाद आपको सब पे टिक करना है कि आपने SOP जो Unlock 3 की है वो आपने पढ़ ली है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, शॉर्टकट में आपने देखनी है, तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको कार्ड में या फिर जो है लास्ट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मीन्स एक्यूरेट, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सारी एक्यूरेट है आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्लिक कर देंगे। आई एम अवेयर दैट आई मे अंडर गो क्वारंटीन एज पर SOP डेटेड 4 अगस्त, कि आप क्वारंटीन हो सकते हैं, आई मे, ठीक है। तो ये आपको 4 अगस्त की जो SOP आई है उसके अकॉर्डिंग आप क्वारंटीन हो सकते हैं, ये आपको पता है, इस पर आप टिक करेंगे। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन इज फाउंड फॉल्स अगेंस्ट मे बी टेकन इन एपेडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो आप सभी को पता ही होगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है इस टाइम पे, तो पेंडेमिक एक्ट और फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत आपके पास लीगल एक्शन हो सकता है।
एप्लीकेंट इज नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, आप ये बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं अपने एरिया के कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहा हूँ, यानी कि आरोग्य सेतु का ऐप का जो अपने स्टेटस है वो आपने बिल्कुल सही दिया हो, और एप्लीकेंट जो है वो कंफर्म करता है कि उसके पास उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है COVID-19 के, लाइक फीवर नहीं है आपको, सूखी खांसी नहीं है, ये सब आपके पास नहीं है, और आरोग्य सेतु आपके पास होनी चाहिए, वो आप डाउनलोड कर लें और यस करेंगे, और उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर डाउनलोड ई पास पर। डाउनलोड ई पास पर आप अब जब क्लिक करेंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको डालना अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपको सबमिट कर देना है, आपके पास ई पास जो है आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन प्रोसेस ये पूरा मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ साथ जब आपका पास आता है तो वो वैलिडेशन कैसे चेक होती है, इस पर क्यू आर कोड होता है, जब किसी को भी आपके बॉर्डर पे चेक करना होगा तो वो QR कोड से स्कैन करके इजीली पता कर सकते हैं कि ये फॉल्स है या फिर ये एडिट के गलत बनाया गया है, तो वो सब उनको पता चल जाएगा। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दें, मैं फिर से बोलूँ इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट दें, एक एक इन्फॉर्मेशन जो आप फॉर्म में भर रहे हैं, पर्पज़ अपना सही रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड अपलोड करें, और फिर आप ई पास के लिए यहाँ पर, आप ई पास के बाद ही यहाँ पर ट्रैवल करें। तो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कितने टाइम से कितने टाइम तक आ सकते हैं, तो अनलॉक 3 का मैंने ई पास नहीं देखा है, मैंने ई पास लॉक 2 का देखा था, तो उसमें आपका टाइम मेंशन होता है, तो मे बी आप टाइम हट गया हो, मतलब इस डेट पे आप 6 बजे तक या शाम के 7 बजे तक ही आप आ सकते हैं, मे बी वो टाइम हट गया हो क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू हट गया है, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि बॉर्डर पे कितनी देर तक वो स्क्रीनिंग करने के लिए बैठते हैं, तो वो हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आप कोशिश करें, जो पहले वाला टाइम है वो ये है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं, तो वही आप कोशिश करें, चाहे आप उत्तराखंड आ रहे हैं चाहे आप जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बच जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी ही वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा हम हर वीकेंड पे लाइव मिलते हैं रात को 9 बजे, उसके लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।